हम अक्सर मूवीज में ऐसे सीन देखते हैं ना कि किसी के घर के बाहर या बिल्डिंग के बाहर एक वैन में बैठे लोग अपनी डिवाइस की मदद से अंदर होने वाली बातचीत सुन रहे हैं, मगर अब कान लगाकर दूसरों की बातें सुनने के और भी काफी सारे मॉडर्न तरीके आ चुके हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक मरतबा दोबारा वायर टैपिंग, फोन टैपिंग और ऑडियो लीक्स बहस में आ चुके हैं। पीटीआई की सीनियर लीडर शीरी मजारी ने इल्जाम लगाया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इलीगली तौर पर फोन टैपिंग करती हैं, और इमरान खान के सिक्योर लाइन टैप करने पर सुप्रीम कोर्ट को तो नोटिस भी लेना चाहिए। पीटीआई के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि घरदारी के ट्रेंड और इदारों के खिलाफ मुहिम फॉर्मर खातून अव्वल ने चलवाई। दरअसल वो बुशरा बीबी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे जो कि पिछले दिनों ही पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रही, जबकि इमरान खान कहते हैं कि ये सच है कि प्रेसिडेंट की रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही होती है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसी को प्रेसिडेंट की सारी बातों का पता होता है। मगर इस सारी बहस में सवाल ये उठता है कि मॉडर्न दौर में फोन टैपिंग किस तरह की जाती है और क्या इसे पकड़ने का कोई तरीका भी है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो फोन टैपिंग से मुराद है किसी के फोन से होने वाली बातचीत को बगैर उसकी इजाजत के सुनना, रिकॉर्ड करना और उससे इंफॉर्मेशन भी हासिल कर लेना। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास ऐसा सिस्टम मौजूद होता है कि शक की वो बुनियाद पर किसी की भी कॉल को टैप कर सकते हैं, जबकि इसी तरह की टेक्नोलॉजी आम लोगों के हाथ भी लग सकती है। लैंडलाइन जैसे कि पीटीसीएल की एक्सचेंज में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी डिवाइसेज लगा देते हैं और इनके पास फुल एक्सेस होता है कि वो किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करें या टैप करें, जबकि मोबाइल नेटवर्क में भी एक्सचेंज तो होते हैं, उनमें भी वो अपनी डिवाइस लगाकर कॉल को सुन सकते हैं। नेटवर्क की तरफ से गेटवे तक डेटा पहुंचाया जाता है, मगर दरमियान में एजेंसी सिक्योरिटी रीजन के बेस पर किसी को भी मॉनिटर कर सकती है, यानी कि किसे टैप किया जा रहा है और किसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। इस सब की इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के पास नहीं होती। किसी भी लैंडलाइन नेटवर्क को टैप करना ज्यादा आसान है क्योंकि इसकी तार के साथ टैम्परिंग की जा सकती है। पीटीसीएल या कोई और लैंडलाइन की सूरत में केबल जिस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से गुजर कर घर आ रही हो, वहाँ अगर कोई भी शख्स अपना टेलीफोन लगा कर आपके नंबर से कॉल मिला सकता है और सुन भी सकता है। अब इतना तो हमें भी आइडिया है ना कि अगर फोन की केबल पर कोई भी कुंडे डाल दे या बारिश की वजह से लाइन ज्वाइन हो जाए तो एक कॉल के दौरान दूसरी कॉल्स की भी आवाजें आ रही होती है। हर टेलीकॉम सेंटर में कुछ डिवाइसेस लगी होती है जो खास तौर पर लॉफुल इंटरसेप्शन के लिए बनाई जाती हैं। अगर किसी की कॉल टैप करनी हो तो इन डिवाइसेस में वो नंबर एंटर कर देते हैं और जैसे ही वो शख्स कॉल मिलाता है तो इसकी कॉल की रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है। क्रिमिनल इंटरसेप्शन में कोई भी बंदा आपके घर या दफ्तर के बाहर जाकर अपनी डिवाइसेस के जरिए कॉल को इनसिक्योर चैनल पर कन्वर्ट कर सकता है। जैसे जैसे 3G को कम सिक्योर नेटवर्क 2G पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसमें इंक्रिप्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जैसे ही आप कॉल मिलाते हैं तो आपका मोबाइल सबसे करीब तरीन टावर को तलाश करता है और इससे कनेक्ट हो जाता है। और अगर गाड़ी में ऐसी डिवाइस लगी हो जो एज अ टावर काम करे तो मोबाइल किसी टावर के बजाय इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। और अगर किसी का फोन हैक हो जाए तो स्पाईवेयर के जरिए भी कॉल सुनी जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज दरअसल व्हाट्सएप पर कॉल्स और वॉइस मैसेजिंग पर बात ज्यादा करते हैं, जिसे रिकॉर्ड करना इतना मुश्किल नहीं है, खास तौर पर जब इस गुफ्तगू में दूसरा शख्स भी अपने फोन से इसे रिकॉर्ड कर ले, जो कि नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग के लिए कितनी सारी एप्स भी है ना, जिनसे ऐसा करना और भी आसान हो जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे ये मालूम हो सके कि आपका फोन टैप हो रहा है? मुल्क में काम करने वाली मुख्तलिफ एजेंसीज भी होती हैं जिनके अपने अपने गोल्स होते हैं और वो उनके अपने अपने हिसाब से मॉनिटर करते हैं। कानूनी तौर पर सिविल एक्सचेंज को मॉनिटर करने का इख्तियार सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास ही होता है और किसी और इदारे के पास ऐसा करने का हक तो है नहीं, और ये भी सिर्फ प्रेसिडेंट की इजाजत के साथ ही पॉसिबल होता है और यही लॉ भी है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि रोजमर्रा के इवेंट्स पर आईबी का डायरेक्टर जनरल खुद ही फैसला कर लेता है लेकिन फिर भी इसको अप्रूव प्रेसिडेंट ही करता है। तो अगर ये देखना हो कि आया आपकी कॉल टैप हो रही है या नहीं तो ये देखा जा सकता है कि इसमें किसी तरह का डिस्टॉर्शन या स्पेसिफिक किस्म का शोर तो नहीं आ रहा या कहीं आपको अपनी आवाज दोबारा ही तो नहीं सुनाई दे रही। टेलीकॉम के डिपार्टमेंट में रोजाना फोन टैपिंग की शिकायत होती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप सबसे पहले अपनी लाइन वेरीफाई करें, यानी कि ये चेक करें कि आपकी तार किसी जगह से इफेक्ट तो नहीं है। इस सूरत में टेलीकॉम अथॉरिटीज इसे ठीक तो करते हैं और तारों के घर के अंदर और बाहर सिक्योर भी कर लेते हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक तरीका तो है नहीं कि वो देख सकें कि आया किसी का फोन टैप हो रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि आप FIA के साइबर क्राइम विंग में शिकायत करवा सकते हैं कि मुझे कॉल के दौरान मशकूक किस्म का शोर सुनाई देता है और मुझे शक है मेरी कॉल टैप हो रही है। आप इनसे ये पूछ भी सकते हैं कि आया मेरी कॉल इनक्रिप्टेड और सिक्योर है या नहीं।
इसीलिए हमें चाहिए कि अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी तरह के अननेसेसरी ऐप ना रखें, जिससे फ़ोन टैपिंग का ख़तरा और भी बढ़ जाए। किसी भी एप्लीकेशन को इतनी ही परमिशन दें जितनी कि इसके लिए ज़रूरी है। जैसे अगर कैलकुलेटर की ऐप आपसे कैमरे और माइक्रोफोन की इजाज़त मांगे तो ये इसका काम तो नहीं है ना। लॉफुल इंटरसेप्शन से बचना मुश्किल तो है, मगर स्मार्टफोन से की जाने वाली फोन टैपिंग से बचने के लिए यूज़र सिक्योर मैसेजिंग ऐप्स जैसे सिग्नल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़ोन इस्तेमाल करने के दौरान आपका नेटवर्क अचानक 3G से 2G पर ट्रांसफर हो जाए तो ये भी एक रेड फ्लैग है। जबकि व्हाट्सएप की कॉल इनक्रिप्टेड हो, यानी कि ये एक एल्गोरिथम में से गुजर के जाती है और इसे दरमियान में कोई नहीं सुन सकता। लेकिन लैंडलाइन की कॉल में ये इनक्रिप्शन तो होती नहीं है। वो यूजर्स को मशकूक ऐप्स के अलावा VPN से भी दूर रहने को कहते हैं। अगर आप VPN से कनेक्ट करते हैं तो आप किसी सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ साइबर अटैक्स बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसीलिए ऐप्स वही इंस्टॉल करें जो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से वेरीफाइड है। पब्लिक वाईफाई या हॉट स्पॉट पर कभी इंटरनेट यूज ना करें और इसके जरिए कॉल्स भी नहीं करें। कॉफी शॉप, मेट्रो और एयरपोर्ट्स के पब्लिक हॉटस्पॉट पर साइबर क्राइम्स तो खुलेआम होते हैं।